अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास। सोशल साइंस में हमारा टॉपिक जो करंट कल्चर चल रहा है, आज इस हवाले से हमारा टॉपिक है वुमन एंड प्रिंट। तो हम देखते हैं कि पिछले लेसन में हमने देखा कि प्रिंट की वजह से क्या चेंजेस आई और नए नए न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश हुए और कॉलोनियल इंडिया में हम देखते हैं कि इंडिया जो एक डाइवर्स कंट्री है, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कास्ट्स, तो यहाँ जो है सोशल एवल्स भी ज़्यादा थे और इस वजह से कुछ सोशल एवल्स ऐसी थी जो औरतों के बारे में थी, वुमन फॉक के मुतलिक थे और इनमें वो बुरी तरह से, जैसे कल भी हमने देखा कि विडो इमोलेशन, विडो मैरिजेस, सती की रस्म, तो ऐसे ही दूसरी कुछ एवल्स एजुकेशन के बारे में भी औरतों के मुतलिक थी। यहाँ हम आज के लेसन में बैठेंगे कि प्रिंट जब आया तो औरतों में वुमन फॉक में क्या चेंजेस आई। तो इस हवाले से हम ये देखते हैं कि प्रिंट की वजह से जो है अब वुमेन फीलिंग्स यानी लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन चेंज। प्रिंट की वजह से द लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमन चेंज, यानी इंटेंसली ये चेंज हो गया। अब प्रिंट ने पूरी तरह से असरअंदाज किया वुमन फॉक की लाइफ को, इनकी फीलिंग्स को, और ये इनकी जो सोशल लाइफ थी इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई। तो पर्टिकुलरली तो अब जबकि प्रिंट आया तो वुमेन बिगेन टू रीड। अब औरतों तक भी प्रिंट जब पहुंचा तो इन्होंने भी पढ़ना शुरू किया। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया में अभी तक औरतों की एजुकेशन के बारे में हिंदू ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव्स जो थे, रिलीजियस हिंदू ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव्स जो वुमेन एजुकेशन के खिलाफ थे और इनकी एजुकेशन के मुतल्लिक वो खौफ ज़दा थे और इस तरह से वो ये नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ मिडिल क्लास लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगेन टू टीच देयर वुमेन अब इसके लिए जो थे मिडिल क्लास लिबरल हस्बैंड्स जो थे, इन्होंने भी इस चीज को समझा कि औरतों को नाखानदा इलिटरेट नहीं रहना चाहिए। और इसी तरह कुछ पेरेंट्स ने भी ये महसूस किया जो लिबरल अंदाज से सोचने लगे। अब उनका आउटलुक भी बदल गया था प्रिंट की वजह से और इन्होंने भी इस चीज की तरफ ध्यान दिया कि नहीं, औरतों की एजुकेशन लाजमी है, इनको एजुकेट किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ से कुछ जर्नल्स भी ऐसे आए, इन जर्नलों में बाज़ब्ता तौर औरतों के बारे में ज्यादा कुछ लिखा गया और इनके एजुकेशन के बारे में ज्यादा लिखा गया। और फिर धीरे धीरे सिटीज और टाउन्स में स्कूल्स भी ओपन हो गए और इन स्कूल्स में औरतों को भेजा गया। और इससे पहले कि ये जो ये मिडिल क्लास लिबरल लोग जो थे, ये घरों में ही औरतों को एजुकेट करते थे और न्यूज़पेपर जो थे वो औरतों के मुतालिक
जो थे वो इनके लिए सिटिटी मटेरियल और सिलेबस भी तय करते थे, यानी सिलेबस एंड सिटिटी मटेरियल, यानी जर्नल्स कंटेनड सिटिटी मटेरियल एंड सिलेबस फॉर होम बेस्ड स्कूल्स, होम बेस्ड एजुकेशन। यानी सिलेबस एंड सिटिटी मटेरियल। फॉर वुमन और इस तरह से, लेकिन ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो थे और कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स भी, वो भी इस एजुकेशन के खिलाफ थे। मुस्लिम्स का ये अप्रिहेंशन था कि ये नई एजुकेशन जो है, ये नई एजुकेशन मत ये कॉरप्ट करेगी, वोमन फॉक का करेक्टर मत कॉरप्ट हो जाएगा, जब ये उर्दू रोमांस पढ़ेंगे तो मत इनके करेक्टर पर कुछ बुरे असर पड़ेंगे, नेगेटिव असर पड़ेंगे, वो इस अंदाज से सोचने लगे। और हिंदूज भी सोचते थे कि इससे औरतों पर, इनसे वोमन फॉक पर कुछ चेंजेज आएंगी। तो इस तरह से बहुत सी वो ये जो औरतें थी, वोमेन जो थे, वोमेन फॉक जो था, उन्होंने इसको डिफाई किया, इन्होंने इस प्रोहिबिशन की अपोजिशन की, उन्होंने रिबेल किया इससे, बहुत सी औरतों ने इसे रिबेल किया। और हम देखते हैं कि ये जो इस हाल में औरतों ने क्या किया कि जो तालीम चाहते थे, वो एजुकेशन चाहते थे, और कुछ औरतें ऐसी थी बंगाल में कि उन्होंने अपने घरों में अपने आप को एजुकेट किया, और सीक्रेटली उन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो कंजर्वेटिव फैमिलीज थी, हाउस होल्ड्स थे, वहां एक मैरिड घर की एक दास्तान लिखी गई है कि उसमें यह बताया गया है कि उसने अपने आप को सेल्फ एजुकेट किया। ये प्रिंट के जरिए से जो किताबें उस तक पहुंचती थी, वो चोरी छुपे सीक्रेटली ये किताबें अपने लेती थी और इन्हें पढ़ना शुरू किया, और इस तरह से उसने रीडिंग और राइटिंग शुरू की। और इस औरत का नाम था ईस्ट बंगाल की, ये औरत थी ईस्ट बंगाल। इसका रक्षण दरी देवी, ए वोमेन ऑफ ईस्ट बंगाल, रक्षण दरी देवी। इसने सीक्रेटली अपने आप को एजुकेट किया, रीडिंग और राइटिंग इसने सीखा अपने किचन में बैठकर ही, और फिर इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी इन बंगाली लैंग्वेज। दिस वॉज द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली लैंग्वेज में अपनी दास्तान लिखी। पहली जो ऑटोबायोग्राफी बंगाली लैंग्वेज में फुल फ्लेज्ड फुल लेंथ का ऑटोबायोग्राफी इस औरत की, जिसने इस ये जो रक्षण दरी देवी थी, इसने हाउ शी एजुकेटेड हरसेल्फ, हाउ शी डिस्पाइट द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द सोसाइटी शी एजुकेटेड हरसेल्फ एंड शी एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स इन हर ऑटोबायोग्राफी, हाउ शी एजुकेटेड हरसेल्फ। और ये जो उसकी फुल फ्लेज्ड और फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज में 1876 में पब्लिश हुई। यानी इसकी ये जो ऑटोबायोग्राफी थी, ये 1876 में पब्लिश हुई, और ये सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो एक औरत ने प्रिंट कराई, और बंगाली लैंग्वेज में ये थी। और इसके साथ साथ जब नावल रीडिंग का भी यहाँ ये रिवाज बना, और इस तरह से सोशल रिफॉर्म भी, एक तरफ से सोशल रिफॉर्म भी चल रहे थे कि बहुत से कस्टम्स और बहुत से कुछ रिचुअल्स इंडिया में ऐसे थे जिसके खिलाफ सोशल रिफॉर्मर्स लड़ रहे थे और वो इसके लिए फाइट कर रहे थे। और इस तरह से नावल राइटिंग में भी इन चीजों का तज़किरा होता था,
इस तरह से इनकरेज हो गई औरतु वोमेन एजुकेशन को, एक एक इनकरेजमेंट मिल गई, एक बूस्ट मिल गया। और इस तरह से अब औरतों ने भी अपने आप को यूरोप की औरतों की तरह रिडिफाइन करना शुरू किया और उनको एक इनकरेजमेंट मिल गई। और फिर हम देखते हैं कि 1860 में, इन 1860 नावल रीडिंग और सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से, जो रिफॉर्मेशन चल रही थी इन सोशल इवल्स के खिलाफ, तो अब औरतों तक जब किताबें पहुंची उन्होंने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। तो 1860 में एक बंगाल, एक और बंगाली वोमेन जिसका नाम था कैलाश बशानी, देवी, ये एक बंगाली वोमेन ये भी है, इसने अपने किताबों में लिखा है, अपनी बुक्स में इसने हाईलाइट किया है कि अपनी एक्सपीरियंस इसने हाईलाइट की है कि एक वोमन जो है ये कैसे घरों में इसको कैसे कैद किया जाता है। इसकी इसने अपनी एक्सपीरियंस यहां शेयर की है अपनी 1860 में। इसकी ये कैलाश बशनी दीवी जो है ये अपनी एक्सपीरियंस वोमन समाज में, सोसाइटी में औरतों के साथ क्या ज्यादतियां होती हैं, कि कैसे इससे हार्ड डोमेस्टिक लेबर घरों में हार्ड डोमेस्टिक लेबर इनसे कराया जाता है और इनको इग्नोरेंट रखा जा रहा है और इसके साथ साथ इनको अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं और इनको एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है। तो इस तरह से इसने इन तमाम प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा जो कि कैसे मिजरेबली इन औरतों को ट्रीट किया जाता है अपने फैमिलीज में भी और अपनी फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी, जिनकी ये सर्विस करती है इनके जरिए से भी इनको कैसे बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इसको कैलाश बशानी देवी है, इसने पूरी तरह से इसको एक्सप्रेस किया है अपनी राइटिंग्स में। तो इसी तरह 1880 में महाराष्ट्र में, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र की एक और लेडी है, एक और औरत है, उसने भी इसके बारे में लिखा है कि जिसका नाम है ताराबी सिंधी। इसने भी, ये जो ताराबी सिंधी है, इसने भी बहुत ही नाराजगी के साथ, विद ग्रेट एंगर, इसने भी एक्सप्रेस किया है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं सोसाइटी में, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और वुमेन फॉक के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, इसने भी अपने राइटिंग्स में इन चीजों का इजहार किया है। और पर्टिकुलरली उसने इजहार किया है कि हाउ इंडियन विडोज आर ट्रीटेड इन द सोसाइटी। तो इस महाराष्ट्र की इस लेडी ने भी इस बारे में ये लिखा कि हाउ इन अपर क्लास हिंदू फैमिलीज हाउ वुमेन इज ट्रीटेड, पर्टिकुलरली दीज विडोज आर ट्रीटेड। तो इसी तरह तमिलनाडु की एक लेडी जो है वो ये एक्सप्रेस करती है कि प्रिंट का वो बहुत ही इसको अप्रिशिएट करती है प्रिंट को, और वो कहती है कि इस प्रिंटिंग से पहले हमारी लाइफ जो थी, ये हमारा वर्ल्ड जो था ये श्रृंखट था, इट वॉज वेरी शॉर्ट, अवर वर्ल्ड वॉज शॉर्ट, लेकिन जब बुक्स हम तक पहुंची, अब बुक्स की वजह से हम देखते हैं कि हमारी हाफ लाइफ जो है, हमारी जिंदगी की जो हाफ हैप्पीनेस है, द हाफ हैप्पीनेस ऑफ आवर लाइफ वी हैव अटेन्ड ड्यू टू बुक्स, जब हमने बुक्स को पढ़ा, किताबों को पढ़ा और हमने अपने आप को एजुकेट किया, तो अब हमारी जिंदगी में निसफ हमारी जिंदगी की खुशियां लौट आई हैं।
तो इस तरह से इस तमिलनाडु की इस लेडी ने एक्सप्रेस किया है कि हमारी जिंदगी जो थी ये किस तरह कन्फाइन थी घरों में और किस तरह हम इग्नोरेंट थे, लेकिन ये बहुत ही थैंक्स अदा करते हैं इस प्रिंट का कि प्रिंट की वजह से हम तक ये किताबें जो पहुंची और हमने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया और हमारी ये जो सोशल लाइफ थी इसमें एक चेंज आ गई और औरतों ने अपने आप को रिडिफाइन करना शुरू किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंजाब में भी कुछ फोक टेल, पंजाब में कुछ पब्लिशर्स ने, कुछ प्रिंटर्स ने कुछ फोक टेल्स ये जो लिखना शुरू की, जैसे कि हम देखते हैं कि धर विचार, दर विचार यहाँ के वो एक दर विचार प्रेस जो है ये पंजाब का एक प्रेस है और यहाँ ये औरतों के बारे में एक स्पेशल एडिशन भी निकाला करता था और इसमें ये बताया गया था कि हाउ ए वोमेन कैन बी एन ओबीडेंट वाइफ, हाउ वोमेन कैन बी एन ओबीडेंट वाइफ, तो इनको ओबीडेंस सिखाई जा रही थी और इनको होम एजुकेशन के लिए कैसे ये अपने घर को ठीक तरह से मेंटेन कर सकती है और इस बारे में ये दर विचार जो था औरतों की रिफॉर्मेशन के लिए और इनको एक बेस्ट वोमेन फैमिली में बनाने के लिए, सोसाइटी में बनाने के लिए इनकी जो खुद स्क्रिप्चर्स थे उनका हवाला देकर इनको एजुकेट किया जा रहा था। और इसी तरह पंजाब में एक और जो है खालसा ट्रैक सोसाइटी जो वजूद में आई, खालसा ट्रैक सोसाइटी, इस खालसा ट्रैक सोसाइटी ने भी, इसने भी यही सेम मैसेज, इसने भी ये जो औरतों तक पहुंचाई इसकी भी मैसेज भी यही थी कि हाउ ए वोमेन कैन एजुकेट हर सेल्फ एंड हाउ शी कैन बी द बेस्ट वोमेन इन हर फैमिली एंड हाउ शी कैन बी एन ओबीडेंट वाइफ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर इसी तरह कलकत्ता में, ईस्ट कलकत्ता में और ये जो है हम देखते हैं कि ईस्ट बंगाल में भी अब जो ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिशर्स थे अब इन्होंने औरतों के वोमेन फॉक्स के बारे में किताबें लिखनी शुरू की और इसी तरह जिस तरह यूरोप में पेडलर्स के जरिए से किताबों की सेल हो रही थी और यहाँ भी अब पेडलर्स जो थे अब डोर स्टेप्स तक ये किताबें पहुंचाते थे और औरतें शौक से इन किताबों को देते थे और वो घर बैठे लेजर टाइम में स्टडी करते थे और अपने आप को एजुकेट करते थे और इस तरह से औरतों ने नेशनल स्ट्रगल में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने अपने ख्यालात को एक्सप्रेस किया और उन्होंने नॉवल राइटिंग्स और बड़ी बड़ी राइटर्स जो हैं वो औरतों में ये जो ये इमर्ज हो गई और इस तरह से प्रिंट ने ये जो एक बहुत बड़ा जो सेक्ट हमारा है यानी वोमेन फॉक, तो इसको एक बूस्ट मिला इनको प्रिंट की वजह से। इनकी जो ख्यालात थे सोसाइटी में जो इनके साथ जातियां होती थी उसके बारे में ये जो प्रिंट की वजह से वो तमाम चीजें एक्सपोज हो गई और इस तरह से इन्हें एक रेस्पेक्टेबल लाइफ सोसाइटी में हासिल हो गई। तो ये आज इस हवाले से था वोमेन एंड प्रिंट। तो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह कल अगला टॉपिक होगा तो वह हम कल उठाएंगे।